हेलो एवरीवन, आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी जो वीडियो होगी ये ट्वेल्थ क्लास के लिए है, और ट्वेल्थ क्लास में हमने जो चैप्टर चला रखा है उसका नाम है द्वितीय क्रियाएं, जो कि सिक्स चैप्टर है हमारी बुक का। इसके अंदर हमने इसकी परिभाषा पढ़ ली थी द्वितीय क्रियाओं की, और इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा था विनिर्माण उद्योगों की। आज हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए कौन कौन से कारक जो होते हैं जो उनको प्रभावित करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी उद्योग को कहां पर स्थापित किया जाना चाहिए। साथ में हम ये भी जानेंगे इनके अंदर कि पहले ये जो कारक हैं वो कितने कारगर हुआ करते थे, यानी कि जो सबसे पहले जो उद्योग लगाए गए, और आज जो आधुनिक जो उद्योग लगाए जाते हैं बड़े पैमाने के, तो उनके अंदर कौन से कारकों में बदलाव हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अपना पहला जो कारक होगा वो है बाजार तक अभिगम्यता। अभिगम्यता का मतलब पहुंच होता है, बुक के अंदर अभिगम्यता दे रखा है तो हम अभिगम्यता लिख लेते हैं, वैसे ही इसका मतलब होता है बाजार तक पहुंच। तो कंफ्यूज होने की इसमें जरूरत नहीं है भाई। अब इसमें बात करते हैं बाजार तक पहुंच। देखिए, किसी भी सामान को यानी किसी भी उत्पादन जब होता है, और उत्पादन के बाद जो भी उत्पाद तैयार होता है, जो भी सामान या माल बनकर के तैयार होता है, उसको आगे बेचने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, बाजार की जरूरत होती है। और यहां पर बाजार का मतलब क्या है कि एक ऐसा क्षेत्र जिसके अंदर उस उत्पाद की जबरदस्त डिमांड हो, जबरदस्त मांग हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बाजार बोलते हैं, ठीक है ना। कोई भी उत्पाद किसी भी इंडस्ट्री के अंदर वो बना, कोई भी प्रोडक्ट तैयार हुआ, और उस प्रोडक्ट को आगे बेचने के लिए हमें किसकी जरूरत है, हमें जरूरत है किसी ऐसे क्षेत्र की जो उसके अंदर उसकी क्या हो, जबरदस्त डिमांड हो, ठीक है। पहली चीज डिमांड, और दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कि वहां पर रहने वाले जो व्यक्ति है ना उनकी खरीदने की क्षमता भी हो, ठीक है ना, उस उत्पाद को खरीदने की क्षमता भी हो। क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर सुख सुविधाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, तो वहां पर अलग प्रकार के उत्पाद खरीदे जाते हैं, और जहां पर सुख सुविधाओं के ऊपर ध्यान दिया जाता है, जो अपनी सुविधाओं पर ध्यान देगा वो क्या करेगा, वो अधिक से अधिक प्रोडक्ट को खरीदेगा, ठीक है। तो उनके खरीदने की क्षमता भी क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, यानी कि बड़ा बाजार होना चाहिए। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर देख लीजिए आप, संयुक्त राज्य अमेरिका को देख लीजिए, और आजकल तो दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर, और दक्षिण एशिया जो है ना वो भी एक बहुत बड़ा बाजार बन चुके हैं, क्योंकि वहां पर भी जबरदस्त डिमांड होती है किसी भी प्रोडक्ट की भाई, ठीक है। अब आइए दूसरा कारक पढ़ते हैं, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। दूसरा आता है अपना कच्चे माल तक पहुंच भाई, कच्चे माल तक पहुंच या कच्चे माल की पहुंच होनी चाहिए वहां पर। देखो भाई, किसी भी उद्योग के अंदर या किसी भी उद्योग को लगाने के लिए ना सबसे पहले जरूरत होती है कच्चे माल की। अब कच्चे माल का मतलब यहां पर क्या होता है, किसी भी सामान को तैयार करने के लिए जिस आवश्यक उत्पाद की जरूरत होती है ना उसको बोलते हैं कच्चा माल। किसी भी उत्पाद को तैयार करने के लिए, किसी भी उद्योग के अंदर उत्पादन करने के लिए जो सबसे जो जरूरी जो सामान होता है वो होता है कच्चा माल, ठीक है। जैसे लो इस्पात उद्योग के लिए यहां पर कच्चा माल क्या है, जमीन के अंदर से निकलने वाला लो एस्क जो होता है ना, जो कच्चा लोहा होता है, वो यहां पर क्या है, वो यहां पर कच्चा माल होगा, ठीक है। उसी प्रकार चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है, चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल है गन्ना भाई, ठीक है, गन्ना इसका कच्चा माल होगा। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है, कपास, ठीक है। तो इस प्रकार ये होते हैं कच्चे माल, कच्चे माल का पता चल गया। अब हमें किसी उद्योग को स्थापित करना है तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है, कच्चे माल की जरूरत होती है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर कि उद्योग को वहां पर स्थापित किया जाएगा जहां पर कच्चे माल की पहुंच हो, यानी कच्चा माल आसानी से लगाया जा सके। जैसे मान लीजिए चीनी उद्योग लगाना है तो हमें कहां लगाना पड़ेगा, जहां पर गन्ने का उत्पादन अधिक मात्रा में होता हो, या गन्ना जो है हमें आसानी से प्राप्त हो सके, ठीक है, उन क्षेत्रों के अंदर हमें चीनी उद्योग लगाएंगे। ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या कहता है कि इसके अंदर है ना, हमने पढ़ा था ना कि पुराने उद्योगों के बारे में बात करें तो पहले जो उद्योग लगाए जाते थे ना वो लगाए जाते थे कच्चे माल के नजदीक, ठीक है। पहले जो उद्योग लगाए बड़े पैमाने पर वो कच्चे माल के नजदीक लगाए जाते थे, क्योंकि कच्चे माल को लाने और ले जाने में खर्च जो होता था वो अधिक होता था, परिवहन के साधनों पर अधिक खर्च होता था। लेकिन अब क्या हो गया, परिवहन के विकसित साधन हो गए हैं, और इसीलिए कच्चे माल को कहीं से भी ला करके किसी भी स्थान पर उद्योग को लगाया जा सकता है, आधुनिक उद्योगों की बात करें। और दूसरा क्या हो गया कि कुछ उद्योग जो है ना अर्ध निर्मित माल में अपना काम करते हैं, अर्ध निर्मित माल यानी कि पहले से कुछ बना हुआ कच्चे माल से, जहां पर कच्चा माल प्राप्त होता है ना भाई, वहीं पर उनसे एक
प्रोडक्ट तैयार कर दिया जाता है, एक उत्पाद तैयार कर दिया जाता है, और उस उत्पाद को क्या किया जाता है, फिर उस उद्योग के अंदर कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, जैसे लो इस्पात, लो एस्क से क्या किया, वहां पर संगठक पुर्जे बना दिए किसी भी उद्योग से संबंधित, ठीक है। अब उन संगठक पुर्जों को परिवहन की सहायता से कहीं पर भी लाया जा सकता, लाया और ले जाया जा सकता है, और उद्योग को कहीं पर भी स्थापित किया जा सकता है। अब इसके अंदर सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इसके अंदर कहता है कि कुछ उद्योग ऐसे होते हैं या कुछ कच्चे माल ऐसे होते हैं जिनका है ना वजन अधिक होता है, ठीक है, वजन तो अधिक होता है लेकिन उससे माल जो निर्मित होता है वो बहुत कम होता है। जैसे गन्ना है, गन्ने के अंदर वजन अधिक होता है लेकिन जब इसे चीनी बनाई जाती है ना तो गन्ने का वजन क्या हो जाए, कम हो जाएगा, क्योंकि गन्ने की मात्रा अधिक लगती है और चीनी जो बनती है वो बहुत कम बनती है, भाई ये ध्यान में रखना, ठीक है। अधिक गन्ना लगता है और चीनी जो होती है वो कम बनती है, 10 टन चीनी बनाने के लिए शायद 100 टन गन्ने का इस्तेमाल होता है, तो इतना गन्ना लाने के लिए अगर परिवहन का साधन का प्रयोग किया जाएगा ना तो क्या होगा, वो हो जाएगा अधिक कॉस्टली पड़ेगा, ठीक है, महंगा हो जाएगा। तो इसीलिए इस प्रकार के उद्योगों को लगाया जाएगा कच्चे माल के नजदीक, ठीक है, लेकिन जहां पर संगठक पुर्जे वगैरह जो बनाए जाते हैं ना वो कच्चे माल से दूर लगाए जा सकते हैं आसानी से। अब बात करते हैं तीसरा आता है श्रम आपूर्ति। भाई श्रम आपूर्ति का मतलब यहां पर क्या है, यहां पर है कारखानों या उद्योगों के अंदर काम करने वाले मजदूर श्रमिकों को यहां पर शामिल किया गया है। भाई इसमें श्रमिकों के बारे में जिक्र किया गया है। अब क्या हो गया, देखो पहले जितने भी उद्योग लगाए जाते थे ना वहां पर सारा काम श्रमिकों के द्वारा होता था, तो इसीलिए जहां पर सस्ता और कुशल श्रम मिलता था ना, सस्ता और कुशल जिनको काम भी आता हो और जो सस्ते भी मिलते हो, यानी कि जहां पर जनसंख्या अधिक हो, सस्ता तो श्रमिक वहीं पर मिलेगा जहां जनसंख्या अधिक हो, ठीक है, तो वहां पर इस प्रकार के उद्योगों को स्थापित किया जाता था, ये कारक सबसे ज्यादा प्रभावित करता था, ठीक है। लेकिन आजकल क्या हो गया, आजकल उद्योग जो है उद्योगों में आ गए हैं स्वचालित मशीनें, ठीक है, कंप्यूटरकृत मशीनें आ गई हैं। इन मशीनों के कारण क्या हो गया कि आजकल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती जरूर है लेकिन बहुत कम आवश्यकता होती है श्रमिकों की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो जो मशीनें होती है वो अपने आप प्रोडक्ट को तैयार करती है, ठीक है, प्रोडक्शन जो होता है स्वचालित मशीनों पर ही डिपेंड करता है, तो इसलिए वहां पर श्रमिकों की आवश्यकता कम हो गई है। तो आजकल के आधुनिक बड़े पैमाने के उद्योगों की बात करें तो वहां पर स्वचालित मशीनों के कारण श्रमिकों का महत्व कम हो गया है, लेकिन आज भी जो कहता है कि कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जहां पर सस्ते और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता अधिक होती है। आगे बात समझ में, ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपना शक्ति के साधन। भाई नंबर 4 है शक्ति के साधनों तक पहुंच। शक्ति के साधन, देखिए शक्ति के साधन का मतलब होता है ऊर्जा, यानी कि एनर्जी। किसी भी उद्योग के अंदर मशीनों को चलाने के लिए या किसी भी उत्पाद को तैयार करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, और पहले वाले उद्योगों में ऊर्जा कहां से प्राप्त होती थी, कोयले से प्राप्त होती थी। तो यहां पर कहता है कोयले को लाने और ले जाने में काफी वक्त भी लगता था और अधिक कीमत भी लगती थी, पैसा अधिक खर्च होता था, तो इसीलिए पहले जो उद्योग लगाए जाते वो कहां पर लगाए जाते थे, शक्ति साधनों के नजदीक लगाए जाते थे जो भी उद्योग लगाए जाते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया है, आजकल कहता है कि शक्ति के ऊर्जा के साधन अलग अलग हो गए हैं, जैसे पेट्रोलियम है, ठीक है, प्राकृतिक गैस हो गई है, और इसमें सबसे ज्यादा जो अब आ रहा है वो है विद्युत, भाई बिजली, ठीक है, जल विद्युत जो है, ठीक है, या विद्युत ग्रिड जो है ना, ग्रिड मतलब बिजली के तारों का एक जाल जो बन गया है, ठीक है, यानी कि मान लो बिजली कहीं पर भी बनाई जा रही हो लेकिन तारों के द्वारा उसे दूर तक भेजा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए अब शक्ति के साधन यानी कि कोयला इतना ज्यादा प्रभावित नहीं करता है किसी भी उद्योग को, आवश्यक जरूर है लेकिन यहां पर कहता है कि विद्युत ग्रिडों के द्वारा ऊर्जा को कहीं पर भी आसानी से सस्ते दामों तक पहुंचाया जा सकता है। और कहता हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ गई है कि आजकल है ना, पहले अगर मान लो किसी भी लौह इस्पात उद्योग के अंदर इस्पात बनाने के लिए काफी कोयले का खपत होती थी, बहुत अधिक कोयले खपत होती थी, लेकिन आजकल कहता है इसकी कोयले की खपत भी बहुत कम होने लग गई है उन उद्योगों के अंदर, ठीक है। तो इस कारण कहता है इन उद्योगों को किसी दूसरे क्षेत्रों के अंदर भी स्थापित किया जा सकता है, ठीक है भाई। अब आगे बात करते हैं नंबर 5 कौन सा आएगा अपना, नंबर 5 है परिवहन और संचार की सुविधाएं। ये आज आधुनिक समय में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही कारक है भाई,
परिवहन और संचार के साधनों की पहुंच, यानी कि उद्योग वहां पर स्थापित किए जाएंगे जो क्षेत्र पूरी तरह से परिवहन के साधनों के द्वारा जुड़ा हुआ हो, ठीक है, मल्टीलेन हो वहां पर, ठीक है, हाईवे हो, रेल मार्गों के द्वारा जुड़ा हो, या फिर हम ये कहें कि वो जो है वायु परिवहन या जल परिवहन के द्वारा जुड़ा हो, परिवहन के साधन है वहां पर सुगमता से प्राप्त हो जाने चाहिए। अब हमें परिवहन के साधनों की जरूरत क्या है, देखिए कच्चा माल लाने के लिए, ठीक है, निर्मित माल जो उस उद्योग के अंदर बना निर्मित माल उसको बाजार तक पहुंचाने के लिए, श्रमिकों को लाने के लिए, या किसी दूसरे उत्पाद या किसी भी दूसरी वस्तु को लाने के लिए हमें परिवहन के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए उद्योग वहां पर स्थापित किया जाएगा जहां पर परिवहन के साधन उपलब्ध होते हों। और संचार का क्या है, कहता है तब से संचार क्रांति आई है ना भाई, तब से यहां पर कहता है कि एक संदेश को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भेजने से क्या हो गया है, आजकल उद्योगों के बीच में अच्छी प्रकार से कम्युनिकेशन हो गया है जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। काम जो पहले एक संदेश को पहुंचाने के लिए समय लगता था अब वो रुक गया है, संदेश भेज करके जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन को संभाला जा सकता है, ठीक है, इसकी डिमांड को बढ़ाया जा सकता है। तो ये कहता है परिवहन और संचार के साधनों के द्वारा ही संभव हो पाया है, ठीक है। जितने भी बड़े जो देश है, ब्रिटेन है या फिर इसी तरह अमेरिका है जहां पर औद्योगिक क्रांति आई है, वहां पर परिवहन और संचार के साधनों के द्वारा ही क्या हुआ है, इनका विकास हुआ है भाई, ठीक है। आगे बात समझ में, अब आगे बात करते हैं। आगे आता है नंबर 6 है सरकारी नीति। सरकारी नीति में देखो भाई, देखो सरकार क्या करती है, सरकार अलग अलग प्रकार की नीतियां बनाती है उद्योग के संबंध में, ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र है जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र जो है, और उसका विकास करना है, तो सरकार क्या करेगी, उस क्षेत्र के अंदर कोई उद्योग स्थापित कर देती है, ठीक है, और उस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए यानी कि बढ़ावा देने के लिए क्या करती है, सस्ते दामों पर भूमि उपलब्ध करवाती है, ठीक है, कम ब्याज दरों पर ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाती है, ठीक है, और बाकी जो परिवहन के साधनों की जो सुविधा है वो उपलब्ध करवाती है। तो सरकार नीतियां बना देती है पिछड़े क्षेत्र का विकास करने के लिए, और उनके ऊपर कहता है कि इससे क्या होता है, इससे अनेक प्रकार के उद्योग आकर्षित होते हैं और उन क्षेत्रों के अंदर उद्योग स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर अधिक उद्योग स्थापित होंगे। अब दूसरा इसमें क्या है, दूसरा होता है कि मान लो कहीं पर अधिक उद्योग हो और वहां पर पर्यावरण प्रदूषण होने लग गया हो, तो सरकार कहीं पर ऐसी नीतियां बना देती है कि इतने दायरे के अंदर कोई उद्योग नहीं होना चाहिए, तो क्या होता है वो वहां से उद्योग निकल करके दूसरे क्षेत्रों के अंदर लगने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो सरकार की कुछ नीतियां होती है जो क्या करती है, जो उद्योगों को प्रभावित करती है भाई, ठीक है, ये भी सबसे बड़ा कारक है। अब इसमें एक पढ़ते हैं, वो है औद्योगिक जड़ता भाई, नंबर 7 पढ़ते हैं, ठीक है, औद्योगिक जड़ता। औद्योगिक जड़ताओं को हम इस प्रकार भी जानेंगे जिसमें कहेंगे समूहन हो जाना या उद्योगों के मध्य संबंध हो जाना, उद्योगों के मध्य संबंध हो जाना, ठीक है, इनको साथ में पढ़ेंगे हम। देखो क्या होता है, कहता है मान लीजिए एक उद्योग, सबसे पुराना उद्योग यहां पर लगा, ठीक है, उस समय यहां पर इस क्षेत्र के अंदर इसके लिए जितनी भी जरूरत के आवश्यकता या जरूरत थी, जो आवश्यकता के लिए जो साधन हुआ करते थे वह सारी सुविधाएं यहां पर उपलब्ध थी। लेकिन कहता है कि मान लो कई सालों के बाद अगर मान लो ये सुविधाएं भी खत्म हो जाए ना और फिर भी ये उद्योग चले, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, औद्योगिक जड़ता बोलेंगे। क्यों चल रहा है ये उद्योग, क्योंकि अब इस उद्योग के आसपास वाले क्षेत्रों के अंदर जो है इनसे संबंधित चीजें उपलब्ध होने अपने आप शुरू हो गई है, जैसे कुशल श्रमिक है, लगातार मान लो यहां पर काम करने वाले जो मजदूर है ना, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी आगे आगे पीढ़ी आएगी वो क्या करेगी, वो उस काम के जानकार होंगे, कुशल होंगे, पहली चीज हो गई। दूसरा क्या होता है कि एक बड़ा उद्योग जब स्थापित होता है ना, तो वो छोटे छोटे उद्योगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है, तो इस क्षेत्र के अंदर बहुत सारे उद्योग लगने शुरू हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, वो अनेक प्रकार के जो इस उद्योग में जो प्रयोग में आने वाले जो पदार्थ है ना, जो भी वस्तु या जो माल यहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है,
ठीक है, वे छोटे छोटे उद्योग उनका निर्माण कर रहे होते हैं। ठीक है, यही तो है उद्योगों के मध्य संबंध, और इनके बीच में आपस में क्या बन जाता है, इनके बीच में आपस में संबंध स्थापित हो जाता है। ठीक है, ये औद्योगिक जड़ता होगा भाई। अब इनके अलावा क्या बच गया हमारे पास जो हमें पढ़ना चाहिए, उनमें सबसे आगे आता है, अगर मान लो कुछ और लिखना पड़ जाए तो, एक है प्रबंधन भाई। प्रबंधन का मतलब मैनेजमेंट हो गया यहां पर। कहता है उद्योगों को चलाने के लिए वहां पर पढ़े लिखे डिग्री धारक जो हैं, हमें क्या चाहिए, कर्मचारी चाहिए, यहां पर काम करने वाले श्रमिक चाहिए, या उन चीजों के जानकार चाहिए। तो कहता है कि उद्योग वहां पर स्थापित किया जाएगा जहां पर इस प्रकार के श्रमिक पहुंच सके। ऐसा ना हो कि उद्योग को हम ऐसे स्थान पर जाकर के लगा दें कि वहां पर कोई मजदूर काम करने के लिए आए ही नहीं। तो प्रबंधन का मतलब था कि किस प्रकार इस उद्योग को मैनेज किया जाए। तो प्रबंधन करने वाले जो बुद्धिजीवी, जो बुद्धिमान वर्ग के जो लोग हैं ना, उनका वहां तक पहुंचना सबसे जरूरी है। तो उद्योग वहां पर स्थापित किया जाए जहां पर प्रबंधन के लिए हमें बुद्धिमान कर्मचारी या श्रमिक प्राप्त हो सके, डिग्री धारक कर्मचारी प्राप्त हो सके। उसके बाद आता है इसमें, और लिखो तो इसमें आएगा पर्यावरण भाई। पर्यावरण का क्या हो गया, देखिए पहले क्या था, उद्योगों में प्रदूषण ज्यादा हुआ करता था। इससे क्या होता था, कर्मचारी के ऊपर एक तो काम का बर्डन ज्यादा होता था, ठीक है, दूसरा स्ट्रेस बन जाता था, ठीक है, प्रदूषण के कारण, क्योंकि वायु भी प्रदूषित है। लेकिन आजकल क्या हो गया, आजकल उद्योग संगठक पुर्जों पर ध्यान देते हैं कि किसी भी क्षेत्र के अंदर संगठक पुर्जे बन करके फिर उस उद्योग के अंदर संगठक पुर्जों से जो सामान होता है उसको तैयार किया जाता है। तो कहता है कि इस प्रकार संगठक पुर्जों के कारण है ना, इन उद्योगों को ऐसे स्थान पर लगाया जाता है जहां का पर्यावरण बिल्कुल अनुकूल हो, जहां जो भौतिक पर्यावरण जो है ना, वहां पर हरियाली हो, पेड़ पौधे हो, खुली हवा हो, ठीक है, वहां पर इन उद्योगों को स्थापित किया जाता है, जिससे जो वहां पर काम करने वाला जो कर्मचारी है उसके दिमाग पर स्ट्रेस ना बने, वो तनाव मुक्त रहे और अच्छी प्रकार से कार्य करे भाई। ठीक है, तो आजकल पर्यावरण भी जो है वो एक प्रभावित करने वाला कारक बन गया है। ठीक है, उसके बाद अगर इसके अंदर थोड़ा और डालें हम तो इसमें आ सकता है जलपूर्ति, जलापूर्ति। 10 कर लेते हैं, जलापूर्ति भाई। देखो किसी भी उद्योग के अंदर मशीनों को धोने के लिए, साफ सफाई के लिए, ठीक है, या किसी भी उत्पाद को तैयार करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो जहां पर अधिक मात्रा में अगर हमें जल प्राप्त हो रहा है ना, तो वहां पर हम उद्योगों को स्थापित करते हैं। ठीक है, उद्योग लगाने से पहले ये सुनिश्चित कर लिया जाता है कि उसके नजदीक उन्हें सस्ता जल, सस्ता और स्वच्छ जो जल है वो उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसके अंदर ये 10 कारक कर लेते हैं। ठीक है, अगर इसमें और लिखना चाहे तो सबसे जो जरूरी बनता है वो है पूंजी भाई। ठीक है, पूंजी का मतलब होता है, देखिए मनुष्य को जीने के लिए जिस प्रकार ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ना, किसी भी उद्योग को चलाने के लिए पूंजी जो है उसकी ऑक्सीजन है, क्योंकि बिना पूंजी के कोई भी उद्योग स्थापित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो बड़ी मात्रा में पूंजी जो है वो क्या करती है, वो उद्योगों को प्रभावित करती है। आगे बात समझ में, ठीक है, तो ये था अपना उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। वीडियो को ध्यान से देखिए, अपनी बुक पढ़िए, अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू।